हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ उत्तक यानी टिश्यू के बारे में, ठीक है। इसके पहले मैं कोशिका के बारे में वो संपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बता चुकी हूँ। दोस्तों, कोशिका का ही एक सम्मोहन रूप उत्तक होता है। उत्तक जो है, उत्तक शब्द को सर्वप्रथम बायलाट ने 18वीं शताब्दी में दिया। उत्तकों के अध्ययन को, ठीक है, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और समान कार्य एवं समान रचना वाली कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहा जाता है। अर्थात जहां पे कोशिकाएं समान कार्य और समान संरचना वाली होती हैं, उन सभी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। जीवधारियों का शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं के समूहन से शरीर में कोशिका विभेदन एवं शरीर का निर्माण होता है। अतः कोशिकाएं संयुक्त होकर उत्तक का निर्माण करती हैं। इसीलिए समान कार्य एवं समान रचना वाली कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहा जाता है। उत्तक जो है चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि उपकला उत्तक जिसे इपिथिलियल टिश्यू कहते हैं, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तो चलिए जानते हैं इन चारों प्रकारों के बारे में इम्पॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है उपकला उत्तक यानी इपिथिलियल टिश्यू। इसकी खोज 18वीं सदी में ड्यूस यानी डच वैज्ञानिक ने किया था। इसकी उत्पत्ति जो है भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से हुई है। सर, यह क्या करता है, जो उपकला होता है यानी इपिथिलियल टिश्यू होता है, शरीर के बाहरी एवं आंतरिक सतहों पर महीन परतों के रूप में आवृत रहते हैं, जिसे हमारे बाहरी वातावरण से हमारे शरीर की ये रक्षा करते हैं। और इसके कारण गुहिकाओं तथा खोखले एवं स्पंजी उत्तकों का क्या होता है, आवरण जो है नम रहता है। इस उत्तक से म्यूसिलेज स्त्रावित होता है, जैसे कि ये म्यूसिलेज जो है आंतों को स्वस्थ रखता है और शरीर में सही तरीके से पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है। साथ ही यह डायबिटीज के कंट्रोल को भी में भी सहायक होता है, ठीक है। उपकला उत्तक के प्रकार, उपकला कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सरल उपकला, संयुक्त उपकला, विशिष्ट उपकला। उसमें से हम मुख्य मुख्य बात करेंगे सल्की, घनाकार, स्तंभी, आभासी। जिसमें से सल्की जो होता है वो फेफड़ों की कुपिकाओं और रुधिर वाहिकाओं के भीतरी सतह में पाया जाता है। जो घनाकार क्यूबॉइडल होता है वो छोटी आंत, पैंक्रियाज वाहिनी, थायराइड की सतह में पाया जाता है। जो कोलियुमनर स्तंभी होता है वो आंत, अमाशय तथा पित्ताशय की भीतरी भित्तियों यानी दीवारों को बनाता है, ठीक है। और जो आभासी होता है और श्वास नली तथा बड़ी श्वसनिकाओं की भीतरी सतह पर होता है, जो एपिथेलियल सतह पर कणों के रूप में पकड़े रहता है। तीसरा है विशिष्ट उपकला, जिसमें ग्रंथिल उपकला होता है। उसमें हमारी वाहस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां एंड मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। दोस्तों, बता देते हैं कि वाहस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उसमें नलिकाएं होती हैं और एंजाइम स्त्रावित करती हैं। नलिकाएं इसलिए होती हैं क्योंकि वहां यह ब्लड की संपर्क में नहीं आता है, इसके लिए नलिकाएं होती हैं जिसे अलग रूप में अपना बहाव करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारी लार, अश्रु, अमाशय, यकृत, आंत और आंत ग्रंथियां आती हैं, ठीक है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, वो हार्मोन स्त्रावित करती है और इसमें नलिकाएं नहीं होती, इसलिए इसको नलिका विहीन कहते हैं, ठीक है। ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट जो है रक्त में छोड़ती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथियां आती हैं। एंड तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि दोस्तों एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है, जिसमें से आता है अग्नाशय। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में जो है यकृत होता है एंड दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज होता है। नेक्स्ट है संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो शारीरिक अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ये चार प्रकार का होता है, सामान्य संयोजी उत्तक, तंतुमय संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक एंड तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। यानी सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू,
स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें सामान्य संयोजी ऊतक जो होता है वो अंतराली यानी एरियोलर, जो खोखले अंतरंगों त्वचा के नीचे धमनी और शिराओं की भित्तियों पर पाया जाता है, ठीक है। एंड वर्णक यानी पिगमेंट, पिगमेंटेड ये जो होता है त्वचा की दर्मिस में पाया जाता है, जो रंगीन कणिकाओं की होती है जिससे ये रंगीन दिखाई देता है, जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये लाल हरा पीला है, ठीक है। और तीसरा है वसामय यानी एडिपोज टिश्यू, जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा कई बार, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे त्वचा के नीचे ब्रिक के चारों ओर तथा मेसेंट्री और हड्डी मज्जा में पाया जाता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे वसा को संश्लेषित करता है यानी संचय करता है और उसका उपापचयन भी करता है, ठीक है। यह ब्रिक तथा नेत्र गोलक के पास अटकों को रोकने के लिए भी गद्दा बनाता है। और चौथा जालमय संयोजी ऊतक यानी रेटिकुलेट संयोजी ऊतक, ये लसिका में स्थित होता है, जिसमें रेटिकुलर तंतुओं का एक घना जाल होता है। इन तंतुओं के बीच में एंडोथेलियल कोशिकाएं भी पाई जाती है। नेक्स्ट है दूसरा प्रकार क्या है, तंतुमय संयोजी ऊतक, जिसमें से व्हाइट फाइबर यानी श्वेत तंतु में, तो श्वेत तंतु में जो होता है इसमें कोलेजन तंतु के बंडल होते बिखरे होते हैं, जो हमारी खोपड़ी की हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है, यानी खोपड़ी की हड्डियों के बीच में ये पाया जाता है व्हाइट फाइबर, ठीक है। एंड कंडरा यानी टेंडन्स, टेंडन्स जो होता है हमारे स्केलेटल मसल्स को यानी हमारे स्केलेटल मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे स्केलेटल मसल्स हड्डियों से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो टेंडन्स यानी कंडरा से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है स्नायु, जो लिगामेंट्स होता है, लिगामेंट्स वह तंतु है जो हमारे एक हड्डी के दूसरे हड्डी को जोड़ों पर जोड़ता है, ठीक है। एक हड्डी के दूसरे हड्डी पर क्या करता है, जोड़ों पर जोड़ता है, ये लिगामेंट्स, दो हड्डियों को जोड़े पर जोड़ने वाला तंतु लिगामेंट्स होता है। एंड नेक्स्ट है तीसरा है कंकाल संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा कंकाल होता है दो चीजों से बनकर मिला होता है, बना होता है, वो क्या है, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं, अस्थि को बोन बोलते हैं। जो हमारा उपास्थि होता है वो लचीला होता है, ठीक है। वो हमारे श्वास नली के छल्लों, कशेरुकाओं के बीच, संधि स्थलों जहाँ पे जोड़ पाया जाता है, ठीक है, उन स्थानों पर पाया जाता है। और जो अस्थि होता है वो कठोर होता है, आसी नामक प्रोटीन से बना होता है, और इसके केंद्र में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है, जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है तरल संयोजी ऊतक, फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें रुधिर और लसिका आते हैं। रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा रुधिर में 55% एंड जो रक्त कोशिकाएं होती है वो 45% होता है। लसिका एक तरल पारदर्शक प्लाज्मा के समान छना हुआ पदार्थ होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अपेक्षा की प्लाज्मा से कम होता है, या उत्सर्जी पदार्थ अपेक्षा की अधिक मात्रा में, और ऑक्सीजन की मात्रा भी इसमें कम होती है। नेक्स्ट है यानी तीसरा है पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, जो तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखित पेशी ऊतक यानी स्टिपेट मस्कुलर टिश्यू, जिसे स्केलेटल वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। दूसरा है अरेखित पेशी, जिसे अनस्टिपेट मस्कुलर टिश्यू एंड स्मूथ मसल भी बोलते हैं। एंड तीसरा है हृदय पेशी ऊतक यानी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इसमें से जो रेखित पेशी होता है, इसके स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, यह टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़ा होता है, ये हमारी इच्छा अनुसार काम करता है, ठीक है। और ये बहुकेंद्रीय होता है, ये हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़ी जहाँ जहाँ हड्डियाँ जुड़ी होती हैं मांसपेशी से वहाँ वहाँ पाई जाती है, जैसे हमारी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टायर, पेक्टोरल मेजर, मेजर, ये सब हड्डियाँ जो है रेखित पेशी में आते हैं। अनैच्छिक पेशी जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, अपने आप कार्य करता है, और ये स्मूथ होती है, ये हमारे अंदरूनी अंगों में पाई जाती है, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट की पेशी, फेफड़ों की और लीवर की पेशियां, ये तुर्क आकार की होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हृदय पेशी कार्डियक मसल्स, ये भी अनैच्छिक होती है, यह हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है,
बल्कि ये जीवन पर्यंत काम करती है। जब इसका काम करना बंद होता है, हृदय का धड़कना जब बंद हो जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये भी तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडिकार्डियम। इपिकार्डियम जो है हृदय की बाहरी परत होती है, मायोकार्डियम हृदय की मध्य परत होती है, इंडोकार्डियम हृदय की आंतरिक परत होती है। ठीक है, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, बल्कि यह अपने आप हृदय जीवन प्रयत्न कार्य करता है। नेक्स्ट यानी चौथा है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो 90 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह हमारे शरीर से समस्त शरीर के अंगों से सूचनाओं को न्यूरॉन तक ले जाती है और एंड न्यूरॉन से सूचनाओं को हमारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसमें ये तीन अंगों से मिलकर बना होता है। ये पहला है कोशापिंड यानी सेल बॉडी, जो हमारे न्यूरॉन्स का बीच वाला पार्ट जिसमें न्यूक्लियस होता है उस सेल बॉडी का होता है। ये हमारे डेंड्राइट से जो संदेश प्राप्त होते हैं सबसे पहले वो किधर जाता है, सेल बॉडी की ओर ही जाता है। और सेल बॉडी के दो भाग होते हैं, जो जाल जाल की तरह पंख की तरह फैले हैं, सेल बॉडी के चारों तरफ ये डेंड्राइट है। और ये उसका एक पूंछ निकला हुआ है लंबा सा, वो एक शान है, जो हमारा डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट होता है, वो हमारे सेंसरी निरांस यानी जो संवेदी उद्दीपनी से प्राप्त विभिन्न अंगों से प्राप्त संदेश होते हैं, उन सभी संदेशों को डेंड्रांस में प्रवेश होता है और डेंड्रांस के माध्यम से ये सेल बॉडी केंद्र की ओर जाता है और उसी केंद्र से सेल बॉडी से एक शान के द्वारा समस्त अंगों में भेजा जाता है। तीसरा है एक शान। एक शान जो होता है ये हमारे संदेशों को, उद्दीपनों को सेल बॉडी से समस्त शरीर के यानी शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है, जो आगे चलकर जो एक शान होता है कई शाखाओं में बढ़ जाता है। इन शाखाओं के माध्यम से हमारे समस्त शरीर में संदेश पहुंचते हैं। यह भी तीन प्रकार का होता है, संवेदी न्यूरॉन्स यानी जिसे सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स, जैसा इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। जो संवेदी न्यूरॉन्स होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदेश या उद्दीपन ले जाते हैं, यानी हमारे मस्तिष्क को ये संदेश ले जाते हैं। ये संदेश कहाँ से जाते हैं, हमारे त्वचा, नेत्र, कान, हमारे मतलब शरीर के समस्त अंगों से संदेश को ग्रहण करके दूसरे शरीर के दूसरे हिस्सों यानी मस्तिष्क को भेजते हैं। ठीक है, यानी जो मोटर न्यूरॉन्स होता है ये हमारे जो संदेश होते हैं या उद्दीपनों को स्पाइनल कार्ड से समस्त अंगों की तरफ भेजता है। जैसे कि यदि मुझे हमें कोई वस्तु उठाना है, ठीक है, तो उस वस्तु उठाने की जो क्रिया है उसका संदेश जो है हमारे अंगों से हमारे मस्तिष्क तक संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन तक से के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, एंड वो संदेश जो हम वस्तु उठाने की बात है वो फिर मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा स्पाइनल कार्ड से हमारे पेशियों तक पहुंचता है, जिसके द्वारा हमारा हैंड कार्य करेगा उस वस्तु को उठाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलता है, जिसके माध्यम से हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है, जिसके माध्यम से हम उठते बैठते सोते खाते हर एक क्रिया करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। एंड तीसरा है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स जो है ये मध्य में स्थित होता है, इसकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होता है। ठीक है, और उनका बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई संपर्क नहीं रहता है। तो दोस्तों ये था ऊतक उसके प्रकार के बारे में, जिसमें आशा करती हूँ कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें समाहित हो गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में स्केलेटल मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में, मांसपेशियों की गति के बारे में, मांसपेशियों के कंट्रक्शन के बारे में
और हमारे व्यायाम का मांसपेशी पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर के विभिन्न स्केलेटल मसल्स मसल्स के आकार प्रकार के बारे में, यानी कंकाल तंत्र के बारे में, हृदय पेशी के बारे में एंड बहुत सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में वीडियो नेक्स्ट वीडियो में होगा, जिसे आप देखना न भूलिएगा। दोस्तों मैं टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो छूटे। और दोस्तों थ्योरिकल टॉपिक क्लियर करने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी लाऊंगी, जिसे आपको थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर लगाने में बहुत ही इजी होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।